जय हिंद, वेलकम टू द व्लॉग ऑफ ओ तेरा के दोस्तों। और अभी हम हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, तो आज आपको मेहरानगढ़ फोर्ट घुमाते हैं। ये पड़ता है जोधपुर में। तो यार ये जो फोर्ट का एंट्रेंस है ना, वो जो आप दरवाजे देख रहे हो, वो हाथियों को रोकने के लिए यूज किए जाते थे। एंड ये जो आप फिंगरप्रिंट्स देख रहे हो ना, ये उन रानियों के हैं। ये 36 फिंगरप्रिंट्स हैं टोटल। रानी ने सती करी थी, क्योंकि राजा जब युद्ध में शहीद हो जाते थे तो रानियां सती कर देती थी, तो ये उन्हीं के हाथों के निशान है। ये यहाँ के राजा को शाहजहां ने दिया था, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सीधे पेट में जाके खोल देते थे वो। और ये गन्स है दोनों, तो देखते हैं आपको कैनन्स। वो फोर्ट की रक्षा के लिए होती थी। और पूरा ये नीचे दीवार है जो फोर्ट के स्टार्टिंग में आपने रोड से देखा था, तो वो साइड ये है। एंड पूरा जोधपुर आप यहाँ से विटनेस कर सकते हो। खिड़कियाँ ऐसे दिखती है, 450 साल पुरानी एज इट इज़ है। इनमें भी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। का भारी हिस्सा दिखता है कुछ ऐसा। बहुत सुंदर फोर्ट है, बहुत सुंदर फोर्ट है। इसको मैं रिकमेंड करूंगा, आप जरूर आए और जरूर देखें। ये जो देख रेख कर रहे हैं वो खुद राजा कर रहे हैं, और ये किसी गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन नहीं करती है इस फोर्ट को, राजा ही ओन करते हैं और वो ही इसकी देख रेख करते हैं। शीश महल, यहाँ पे होती थी पूजा और मेडिटेशन। ये छत टूटी हुई है, तो इसको रिप्लेसमेंट में ऊपर लगवा दी नई छत, बट दिस इज द ओल्ड छत। पूरा रियल गोल्ड में स्वॉर्ड आप देख रहे हो ना, ये अकबर बादशाह ने दी थी यहाँ के राजा को। ये पूरा इलाका जो दिख रहा है आपको, ये 7 किलोमीटर तक जो रेडियस देख पा रहे हो आप, ये पूरा राजा का है। वो पार्किंग भी इनफैक्ट राजा की अंदर ही आती है। आपका जो एंट्री टिकट है वो है 200 रुपए, और अगर आपको गाइड हायर करना है तो आप 500 रुपए देके गाइड भी हायर कर सकते हो। मैंने किया था क्योंकि मुझे मुझे इंटरेस्ट तभी आता है जब कोई मुझे बताए किसी चीज़ के बारे में। एंड फोर्ट से ऐसी चीज़ें जिसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक यू शुड हायर अ गाइड। इससे आप लोकल इकोनॉमी भी सपोर्ट करते हैं, जो मैं अपने हर व्लॉग में बताता हूँ, और आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के लिए ही बेसिकली मैं तड़प रहा था, इतने दिनों से बेताब था, क्योंकि वो जो जगह है वो पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिवाय राजस्थान के और कुछ पोर्शन गुजरात में। तो सीधे चलते हैं वहाँ पर। तो भाई आपको ये पीछे वैन दिख रही होगी, पुलिस वैन। तो जो पुलिस वैन आपने पीछे देखी ना, इन्होंने मुझे रोक लिया, क्योंकि मेरी स्पीड थी 105 और स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 है, बट ये 100 से नीचे रोकते नहीं है किसी को। तो मेरा परिचय हुआ इनसे, उसके बाद मेरे दोस्त बन गए सारे जितने भी वैन में बैठे हुए थे। तो मैं उनको बताया मैं यूट्यूबर हूँ, सब हूँ, ऐसा ट्रैवल कर रहा हूँ और अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कह रहे कोई साथ ढूंढ लो भैया। भैया कोई नहीं चलता हमारे साथ। मैं नहीं मानता, यही बताना था। पुलिस ने बिना चालान काटे छोड़ दिया, वार्निंग देके। चलो आपको लेके चलते हैं थार की एक थार राइड पे। थार आए और थार मेरा घूमे, ऐसा हो सकता है? तो ये राइड पड़ी है मुझे 800 रुपए की, 20 किलोमीटर के आसपास। दुबई में किया था एक बार ये, बट जो थार में ओपन थार में करने मजा है ना यार। रंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी ना, वो ये वाला था नकली बॉर्डर बना के। यहाँ से गुजरते थे रंगी भाईजान। तो यार अंधेरा हो गया है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, और मैं डटा हुआ हूँ।